हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में। ये आपका न्यू एंड अपडेटेड नेट सिलेबस पे बेस्ड है ये टॉपिक आपका। तो ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे जो टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो गए हैं। अगर आपने अभी तक टॉपिक्स नहीं देखे हैं सारे, अगर आपने सारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जो पहला टॉपिक, मतलब बेसिकली जो एलिमेंट्स हैं आपके इवैल्यूएशन सिस्टम के, यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ एलिमेंट्स की जो कि आपके इवैल्यूएशन सिस्टम के पार्ट होते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ कि इवैल्यूएशन सिस्टम क्या होता है, तो इवैल्यूएशन सिस्टम में तीन पार्टीज होती हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं। ओके, तो पहला हो गया आपका टीचर। टीचर वो पर्सन होता है जो कि इवैल्यूएट करता है अपने स्टूडेंट को। ओके, तो ये आपकी हो गई फर्स्ट पार्टी। उसके बाद हम इवैल्यूएशन सिस्टम की बात करते हैं। जो हम एक प्रॉपर इवैल्यूएशन करते हैं उसको हम सेकेंड पार्टी बोलते हैं, जो कि एक इवैल्यूएशन सिस्टम होता है जिसमें हम इवैल्यूएट करते हैं स्टूडेंट को। और तीसरी जो आपकी पार्टी होती है वो होती है स्टूडेंट, या आपकी थर्ड पार्टी होती है जिसको हम इवैल्यूएट करते हैं। तो ये बेसिकली आपका टीचिंग प्रोसेस है जहाँ पे हम तीन, मतलब आप कह सकते हो तीन ऐसे पार्टीज़ हैं जिनको हम इन्वॉल्व कर रहे हैं इन मतलब इस प्रोसेस में। तो बेसिकली जो एलिमेंट्स होंगे वो इन्हीं पार्टीज से रिलेटेड होंगे। तो जब आप एलिमेंट्स की बात करोगे तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इवैल्यूएशन सिस्टम में कौन कौन से लोग होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो पहला कौन होता है? टीचर होता है जो आपका इवैल्यूएशन करता है। दूसरा कौन होता है? स्टूडेंट होता है जिसका इवैल्यूएशन होता है। और एक होता है इवैल्यूएशन सिस्टम जिसमें आप ये सारी चीज़ें इवैल्यूएट करते हो। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं इवैल्यूएशन सिस्टम के जो कि एसोसिएटेड होते हैं विद टीचर, स्टूडेंट एंड इवैल्यूएशन सिस्टम इटसेल्फ। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं डिटेल में। ओके, तो सबसे पहला जो एलिमेंट होता है आपका वो ये होता है कि व्हाट टू इवैल्यूएट। हम सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि हम इवैल्यूएट क्या करने वाले हैं, किस लिए हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं, हमारे इवैल्यूएशन का पर्पस क्या है। देखिए, जब हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट माइंड में आता है वो ये आता है कि आपने लर्निंग करी है, आपने लर्निंग दे दी है, उसके बाद आप उनको इवैल्यूएट कर रहे हो कि कितनी लर्निंग उनको समझ में आई है, क्या लर्निंग आउटकम है। ठीक है, तो हम क्या चीज़ इवैल्यूएट कर रहे हैं, क्या पर्पस है इवैल्यूएशन का, ये हम डिफाइन करते हैं आपके पहले एलिमेंट में, दैट इज़ व्हाट टू इवैल्यूएट। तो व्हाई इज़ द इवैल्यूएशन बीइंग कंडक्टेड, ये क्वेश्चन का आंसर आपको इसमें देना है कि हम इवैल्यूएशन को कंडक्ट क्यों कर रहे हैं। तो ए और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं इसके अलावा, हम ये भी बोल सकते हैं कि हम स्टडी मटेरियल को इम्प्रूव करने के लिए इवैल्यूएशन करें। मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि जो स्टडी मटेरियल जिन पे हम उनको पढ़ा रहे हैं वो इफेक्टिव है या नहीं है। तो हो सकता है कि उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं स्टूडेंट का। हो सकता है हम लर्नर्स की क्या आउटकम है, कितना उन्होंने सीखा है, हम ये इवैल्यूएट करने के लिए कर रहे हैं। उसके अलावा हम ये भी हो सकते हैं, ये भी एक रीज़न हो कि हम जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको बोल दिया कि आपको इवैल्यूएशन करना है तो इस वजह से आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं। तो जो बेसिक पर्पज़ होगा आपका, किस वजह से आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं, ये आपका पहला एलिमेंट होगा। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे होम टू इवैल्यूएट, हम किसको इवैल्यूएट करने वाले हैं, कौन वो स्टूडेंट है जिनको आप इवैल्यूएट करने वाले हो। मतलब कि क्या आप पूरी क्लास को इवैल्यूएट करने वाले हो, ठीक है, या सिर्फ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है जिनको आप इवैल्यूएट करने वाले हो, या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में भी कुछ इंडिविजुअल हैं जिनको आप इवैल्यूएट करने वाले हो। तो कौन ऐसे पर्सन हैं जिनको आप इवैल्यूएट करने वाले हो। ओके, होम टू इवैल्यूएट, क्या आपके टारगेट रिसिपिएंट होंगे, कौन लोग होंगे जिनको आप इवैल्यूएट करोगे। ओके, तो जब आप ये चीज़ डिफाइन कर लेते हो कि आप किसको इवैल्यूएट करने वाले हो, तो उसी बेसिस पे फिर आप मेथड डिफाइन करते हो और आप किस तरीके से आपको डेटा कलेक्ट करना है, क्या आपको इवैल्यूएशन के मेथड्स लगाने हैं, क्या उनका रिजल्ट आप कैसे कलेक्ट करोगे, कैसे उसको प्रोवाइड करोगे रिजल्ट, ये सारी चीज़ें आप इसी चीज़ पर बेस्ड करते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने एक पर्टिकुलर क्लास में इवैल्यूएशन किया और जो आपकी क्लास है वो सिक्स स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो सिक्स स्टैंडर्ड में आप इवैल्यूएशन अगर आप कर रहे हो तो आपका जो फ्रेम आउट होगा, जो आपके टेक्निक्स होंगे, जो आपके टेस्ट होंगे इवैल्यूएशन के, वो उन्हीं के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो हम पहले ये देखते हैं कि हम किनको इवैल्यूएट करने वाले हैं और उन्हीं के बेसिस पे ही हम अपनी जो हमारे मेथड्स होते हैं या जो हमारे टेस्ट होते हैं उनको फ्रेम करते हैं। ओके, और उन्हीं के बेसिस पे भी हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि सिक्स स्टैंडर्ड के बच्चे का जो इवैल्यूएट करके हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा। तो ये हमारा इवैल्यूएशन, मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि किसको हम इवैल्यूएट करने वाले। तो ये आपका सेकेंड प्रोसेस हो गया, सेकेंड एलिमेंट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू इवैल्यूएट, हम किस तरीके से, किस चीज़ के द्वारा उनको इवैल्यूएट करने वाले हैं।
तो यहाँ हम देखते हैं कि दीज डिटरमाइंस व्हाट डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स एंड एनालिसिस आर नीडेड टू प्रोवाइड आंसर्स टू द क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स दैट हैज़ बीन डिटरमाइंड. जैसे हमने डिटरमाइन किया था कि मान लीजिए कि हमें ये इवैल्यूएट करना है कि उन्होंने कितनी लर्निंग करी है, या हमें ये इवैल्यूएट करना है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न है उसकी वजह से हमें इवैल्यूएशन करना है, जैसे जो पहला मैंने आपको बताया था पहले उसमें, या फिर हमें ये देखना है कि स्टडी मटेरियल को हम कितना इम्प्रूव कर सकते हैं. तो वॉट टू इवैल्यूएट, जो कि आपका पर्पज़ था या ऑब्जेक्टिव था, इसको हम चेक करने वाले हैं हाउ टू इवैल्यूएट में. ठीक है, यहाँ पर हम उस पर्पज़ को माइंड में रखेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी मेथड्स बनाएंगे और हम अपनी टेक्निक्स बनाएंगे कि कैसे हम इवैल्यूएशन करने वाले हैं. जैसे मान लीजिए, जैसे डिफरेंट मैंने आपको बताया था डिफरेंट इवैल्यूएशन टेक्निक्स होती हैं, सच एज आपका हो गया इंटरव्यू हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, थर्ड पार्टी हो गया, स्टूडेंट देमसेल्व्स हो गया, या फिर जो हमने इंडेक्स कार्ड मेथड बताया था. इसके अलावा और भी आपके बहुत सारे मेथड्स थे, चेन मेथड था और आपका मिनट्स मेथड था. तो ये जो डिफरेंट मेथड्स हैं, यहाँ पे आपको डिफाइन करना होता है, डिटरमाइन करना होता है, सोचना होता है कि इनमें से कौन से मेथड्स ऐसे होंगे जो कि आपकी टारगेट ऑडियंस के लिए सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड हैं या सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हैं और जिनके बेसिस पे आपका ऑब्जेक्टिव ईजिली फुलफिल होगा. तो उस बेसिस पे आप इवैल्यूएशन टेक्निक्स को ढूंढते हैं, उसी हिसाब से आप इवैल्यूएशन करते हैं. ओके, तो आप जब सोचते हैं हाउ टू इवैल्यूएट, तो वहाँ पे आप बेसिकली डिफाइन करते हैं कि कौन से इवैल्यूएशन टेक्निक्स आपको यूज़ करनी है. आप इंटरव्यू करने वाले हो, ऑब्जर्वेशन करने वाले हो, प्रैक्टिकल टेस्ट लेने वाले हो, वाइवा लेने वाले हो, या फिर आप इंडेक्स कार्ड लेने वाले हो, या फिर आप सर्कुलर कार्ड्स के थ्रू करने वाले हो, मिनट्स के थ्रू करने वाले हो, तो किस तरीके से आप इवैल्यूएशन करने वाले हो, वो इवैल्यूएशन टेक्निक्स हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं. तो ये आपका हो गया थर्ड एलिमेंट. ओके, नेक्स्ट होता है आपका हु विल इवैल्यूएट. अब जो इवैल्यूएशन हम करने की बात कर रहे हैं उसे कौन इवैल्यूएट करेगा, कौन इस प्रोसेस को कैरी ऑन करेगा. तो मैंने जब आपको पढ़ाया था इनोवेशन इन इवैल्यूएशन, जो कि वीडियो हमने ऑलरेडी डिस्कस करी थी, तो उस वीडियो में आपने देखा था कि बहुत अलग अलग तरीके की इवैल्यूएशन होती है. आज के टाइम पे क्या है, हम स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट खुद से खुद का इवैल्यूएशन करता है. ठीक है, हम उनका ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप में एक हम मेंबर, मतलब जो डिफरेंट मेंबर्स हैं उनमें एक मेंबर को हम चूज़ कर सकते हैं और वो मेंबर को बोल सकते हैं कि आप बाकी बच्चों को इवैल्यूएट करिए और फिर उस मेंबर के को हम इवैल्यूएट कर सकते हैं. इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू इवैल्यूएशन करते हैं, या फिर हम स्टूडेंट को बोल सकते हैं कि आप खुद से खुद का इवैल्यूएशन करिए कि आप खुद कितने ज़्यादा केपेबल हो इस सब्जेक्ट में या इस टॉपिक में, फिर आप हमें बताइए और कहाँ पे आपका क्या आउटकम है. तो इस तरीके से हम उसको खुद कह सकते हैं कि आपको खुद इवैल्यूएट कर लीजिए एक दूसरे को. तो ये हो गया स्टूडेंट हिमसेल्फ मेथड. ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, हम एक दूसरे एग्जामिनर को अपॉइंट कर सकते हैं, एक पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं जो कि एज अ एग्जामिनर आए और वो अपने स्टूडेंट्स को चेक करे, जैसा कि प्रैक्टिकल में होता था या वाइवा में होता था. तो ये भी एक मेथड है, ये भी एक पर्सन है जो कि इवैल्यूएट कर सकता है. उसके अलावा जो इंस्ट्रक्टर है, जो पढ़ा रहा है, जो टीचर है, जो जिसने पूरी लर्निंग दी है, वो खुद इवैल्यूएट कर सकता है, या फिर उसके अलावा एक थर्ड पर्सन हो सकता है जो कि टीचर का कलीग है या फिर पीयर है कोई, वो आके, वो किसी और टीचिंग क्लास का टीचर है और वो आके आपकी क्लास को इवैल्यूएट कर रहा है, जो कम्प्लीटली न्यू पर्सन है फॉर योर क्लास. ओके, तो इस तरीके से हम डिफरेंट लोग हो सकते हैं जिनको हम अपॉइंट कर सकते हैं या जिनको हम बोल सकते हैं इवैल्यूएशन के लिए. ठीक है, तो हमें यहाँ पे आप ये भी चेक करना होता है कि किसको हम, कौन ऐसा होगा जो इवैल्यूएट करेगा. ये आपका फोर्थ एलिमेंट हो गया. नेक्स्ट है आपका एनालिसिस ऑफ रिजल्ट. अब एनालिसिस ऑफ रिजल्ट क्या है, देखिए आपने ये डिफाइन कर लिया कि कौन होगा आपका इवैल्यूएट, कौन करेगा, उसके अलावा आपका इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या होगा, इसके अलावा आपका मतलब जो आपके टीचर हैं वो क्या काम करेंगे, उनका क्या रोल होगा, ये सारी चीज़ें आपने कर ली. ठीक है, आपने इवैल्यूएशन भी कर लिया. अब उसके बाद क्या करना है, आपको एनालाइज करना है कि रिजल्ट क्या आया है. ठीक है, ये आपका फिफ्थ एलिमेंट हो गया. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो रिजल्ट होता है, जो आउटकम होता है, उसको हम एनालाइज करते हैं और फिर देखते हैं कि हमने जो सोचा था वो है, वो अचीव कर रहा है रिजल्ट या नहीं अचीव कर रहा है, जो रिजल्ट है आपका वो फेवरेबल है या नहीं है. ठीक है, जैसे आपको लगता था कि आपने लर्निंग प्रोवाइड करी, तो आपको लगता था कि एटलीस्ट मैंने 100% अगर लर्निंग दी है तो एटलीस्ट 70% तो स्टूडेंट्स रिटेन करेंगे, उनको 70% तो एटलीस्ट होगा ही होगा. बट क्या हुआ, रिजल्ट आया 30%. ठीक है, आपका जो रिजल्ट आया वो सिर्फ 30% आया, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ये अनफेवरेबल रिजल्ट होगा आपके लिए.
ओके तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टीचिंग मेथड्स चेंज करने पड़ेंगे. आपको आपको हो सकता है इवैल्यूएशन जो मेथड आपने यूज किया वो ना करेक्ट हो सकता है, आपको इवैल्यूएशन मेथड चेंज करना पड़े. तो इस तरीके से आपको चेंजेस लाने पड़ते हैं. हो सकता है आपको जो स्टडी मटेरियल है उसमें चेंज लाना पड़े, या फिर जो आप टीचिंग मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं, जो मेथड्स यूज कर रहे हैं उसमें चेंज लाना पड़े. तो इस तरीके से हम एनालाइज करते हैं रिजल्ट्स को, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम अपनी टीचिंग के जो आगे की प्लानिंग्स है वो डिफाइन करते हैं. ओके उसके अलावा एनालिसिस ऑफ रिजल्ट में हम ये भी डिफाइन करते हैं कि क्या डिग्री ऑफ लर्निंग हुई है. जैसे हमने लर्निंग की बात करी, हम लर्निंग को चेक करें कि कितना लर्न हुआ है उनको, तो हम यहाँ पे डिग्री भी डिफाइन करते हैं कि कितना, मतलब क्या आउटकम है उसका, लर्निंग का क्या आउटकम है, कितनी डिग्री की नॉलेज उनको मिल गई है, कितना परसेंट ऑफ नॉलेज उनको ऑलरेडी रिटेन किया उन्होंने. उसके अलावा रिपोर्टिंग की बात करते हैं हम लास्ट में, ये लास्ट आपका स्टेप आता है, दैट इज सिक्स्थ स्टेप यहाँ पे, या सिक्स्थ एलिमेंट है आपका. तो जब हम रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हम किसको, कब और कहाँ ये रिपोर्ट्स देने वाले हैं, लाइक हाउ टू हूम एंड व्हेन विल बी द रिजल्ट ऑफ द इवैल्यूएशन बी रिपोर्टेड. जैसे आपने मान लीजिए रिजल्ट इवैल्यूएट कर लिया, अब उसको आपको किसको देना है, आपको प्रिंसिपल को देना है, या आपको स्टूडेंट्स को खुद ही बताना है, उनको फीडबैक प्रोवाइड करना है, या जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं उनको आपको रिजल्ट देना है. तो ये मतलब रिपोर्ट करना है, जो फीडबैक है उनको देना है. जैसे मान लीजिए कि पहले क्या होता था, टीचिंग जो एक टीचिंग मेथड था उसमें क्या होता था कि आपको इवैल्यूएट किया जाता था और उसके बाद स्टूडेंट का जो रिपोर्ट होता था वो प्रिंसिपल को दिया जाता था और उसके अलावा टीचर्स को दिया जाता था. ठीक है, कि आपके जो बच्चे हैं उनमें ये इश्यूज हैं और यहाँ यहाँ आप उनको हेल्प कर सकते हैं, ये ऐसे ऐसे इनको इनको आपको मतलब थोड़ा वर्क करना पड़ेगा. अब क्या है, अब हम स्टूडेंट सेंटर की बात करते हैं तो डायरेक्टली हम फीडबैक स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं कि देखो मतलब तुमने इतनी लर्निंग करी, बट यहाँ पे तुम, यहाँ पे स्कोप है तुम्हारी इम्प्रूवमेंट की. तो इस तरीके से आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, आप ट्रेडिशनल मेथड फॉलो कर रहे हैं या टीचर सेंट्रिक मेथड फॉलो कर रहे हैं या स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड फॉलो कर रहे हैं, उस बेसिस पे आपको रिपोर्टिंग डिफाइन करनी पड़ती है कि आप किसको रिपोर्ट देने वाले हो. जो इवैल्यूएशन रिपोर्ट है आप वो किसको देने वाले हो, जो रिजल्ट है वो आप किसको देने वाले हो, आप प्रिंसिपल को देने वाले हो या फिर आपको मैनेजमेंट को आप देने वाले हो, या फिर आप जो पेरेंट्स हैं उनको देने वाले हो, या आप स्टूडेंट्स को देने वाले हो. तो ये चीज़ भी हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं. एंड इवैल्यूएशन रिपोर्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द आइडेंटिफाइड ऑडियंस. जो हमने ऑडियंस आइडेंटिफाई कर रखी है, जिसको हमें लगता है कि हमको इनको रिपोर्ट देना है, उनको हम रिपोर्ट देते हैं. तो ये आपका ओवरऑल जो मतलब एक एलिमेंट हो गया रिपोर्टिंग एलिमेंट. ठीक है, तो आई होप ये जो आपको सारा एलिमेंट्स होगा, ये जो टॉपिक है आपका एलिमेंट्स ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम, ये आपका क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं इवैल्यूएशन सिस्टम में. ओके, थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग. अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में. थैंक यू सो मच.